वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। पैरासिटोलॉजी के एक और वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर है एक और पैरासाइट के साथ, और वो पैरासाइट है एंटेरोबियस वर्मिकुलारिस। इसको पिन वर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आकृति होती है पिन के आकार की होती है। थ्रेड वर्म भी कहा जाता है, सीट वर्म भी कहा जाता है क्योंकि जो टॉयलेट सीट होती है वहाँ पर इसकी उपस्थिति हो सकती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। तो इसको ये तीन नाम दिए गए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो कंटिन्यू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। किंगडम है एनिमलिया, क्लास है निमेटोडा, ऑर्डर है एस्केरिडिया, फैमिली है ऑक्सीराइडी, जीनस है एंटेरोबियस और इसकी जो स्पीसीज है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। और अब हम इसकी देख लेते हैं हैबिट और हैबिटेट, अर्थात इसकी वास और प्रकृति किस प्रकार से होती है। तो इसका अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, मोर प्रिवलेंट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल रीजन। सम शीतोष्ण के मुकाबले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये अधिक पाया जाता है, शीतोष्ण जो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनके मुकाबले। अगर इसकी प्रकृति देखें, वास कहाँ पे पाया जाता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इलियोसीकल रीजन है वहाँ पे, और कई बार ये अपेंडिक्स में भी चला जाता है, तो अपेंडिक्स में भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसका जो इन्फेक्शन फैलता है कंटामिनेटेड फूड होते हैं उससे, और अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो है पेरिएनल पुरुटस, अर्थात जो एनल एरिया है गुदा के आसपास के क्षेत्र में खुजली होगी। अगर ये वेजेना तक पहुंच गया तो वेजेना भी इरिटेशन पैदा कर सकता है, और जो खुजली होगी वो इंटेंस ईचिंग होगी, तीव्र खुजली होगी। इससे जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एंटेरोबियसिस या फिर अपेंडिसाइटिस या फिर वेजेनाइटिस, जो वेजेना में भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो मेल और फीमेल दोनों अलग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग पाए जाते हैं। और इसके जो मेल होता है उसको 5 mm इसकी साइज होती है और थिकनेस होती है 0.5 mm, और फीमेल होती है वो मेल के मुकाबले बड़ी होती है, 8 से 12 mm के बीच होती है और थिकनेस होती है 0.3 से 5 mm के बीच। अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो ऊपर की साइज देख रहे हैं तीर का निशान, वो है फीमेल की, फीमेल सीधी होती है, पिन के आकार की देख रहे हैं आप, और जो मेल है वो पीछे से मुड़ा हुआ रहता है और फीमेल से छोटा होता है। अगर हम इसके अंडों की बात करें तो अंडे उनके कलरलेस होते हैं और उसमें एक सीट पाई जाती है, आसपास सेल पाए जाते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स इसकी शेप होती है, साइज होती है 50 से 60 माइक्रोन की। और अगर अंडों की हम पिक्चर देखें तो इसमें जो लार्वा होता है वो टैडपोल लाइक लार्वा होता है और वो मुड़ा हुआ रहता है। अगर इस पिक्चर को देखें तो इसमें आपको जो सेल होती है वो आसानी से देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सेल देखने को मिल सकती है। तो जब ये फूड के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो ये जो सेल होती है वो डिजोल्व होके ये जो लार्वा है वो रिलीज हो जाता है। तो अब हम इसकी देख लेते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जो एडल्ट और एडल्ट वर्म है इनकी मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद जब ये जो मेल होता है अपने फीमेल को फर्टिलाइज करने के बाद ये मर जाता है, और जबकि वो फीमेल होती है वो अंडे देने के बाद मर जाती है 2 से 3 वीक में। तो जैसे ही फीमेल जिसको अंडा देना होता है तो वो रात के समय गुदा के आसपास जो एरिया होता है वहाँ से आके अपने अंडे देती है, और जो अंडे होते हैं वो चिपचिपे होते हैं तो वो एनल एरिया के आसपास चिपक जाते हैं, और वहाँ से ये जो अंडे होते हैं वो 6 घंटे में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ये इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाती है, वहाँ से जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वहाँ से अगर हम मुंह के थ्रू इसको ले लिया जाता है अंडों को, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इसकी सेल जो रिलीज हो जाती है और जो पैरासाइट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अपना घर बना लेते हैं, वहीं पर रहते हैं इसकी, फिर वहीं इसकी मेटिंग होती है और इसका लाइफ साइकिल वहीं कंप्लीट होता है। इसका जो होस्ट होता है वो केवल एक ही होस्ट में अपना जो जीवन है लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेता है, केवल ह्यूमन में, ह्यूमन ही एकमात्र इसका होस्ट है, और 1 महीने में ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें
तो लैब डायग्नोस्टिक में ज़्यादा स्टूल टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो एग होते हैं वो अपने स्टूल में नहीं देते हैं, पेरिएनल एरिया के आसपास देते हैं, तो हो सकता है कि वो स्टूल जो एनस से आ रहा है वहाँ से अगर कंटामिनेट हो गया तो स्टूल में आपको एग देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि आपको एडल्ट वर्म स्टूल में देखने को मिल सकता है। इसके लिए एक और तरीका अपनाया जाता है लैब डायग्नोसिस में, इसमें है पेरिएनल स्वाब एग्जामिनेशन और NIH स्वाब मेथड। पेरिएनल स्वाब मेथड में जो एक सेलो टेप वो चिपका दिया जाता है और वहाँ पे जो अंडे होते हैं वो उस जो टैप है वहाँ पे चिपक जाते हैं, फिर उस टैप को स्लाइड पे लगा के देख लिया जाता है कि इसमें एग है या नहीं है। दूसरा और तरीका है NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एक स्वाब ईजाद किया हुआ है, तो उस स्वाब से जो पेरिएनल एरिया है उसके आसपास एक स्वाब लिया जाता है और उसके बाद जो स्लाइड होती है उसके ऊपर इसका एक स्मीयर बना दी जाती है और फिर इसका अध्ययन किया जाता है कि जो एग है वो है या नहीं है। अगर किसी में ये एग पाए जाते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है पैराजीन सिट्रेट, पायरानेटल पामेट, मेबेंडाजोल और या फिर पेरिनियम पामेट, इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर हमें इस रोग से बचना है तो इसके लिए हमें पर्सनल हाइजीन बहुत आवश्यक है और हेल्थ एजुकेशन भी आवश्यक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।